हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्डकॉइन रिव्यूज। आज मैं हाजिर हूँ एक और न्यूज़ अपडेट के साथ ऑन द सेम टॉपिक जो कल इंटरनल एक्सचेंज अपडेट हुई थी। आज उसमें कुछ चेंजिंग की गई है जिसकी वजह से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। कल बेसिकली जो अपडेट थी, परसों बेसिकली एक न्यूज़ आई थी आर्बिट्रेजिंग की कि ये लोग जो है वो प्राइस को पैच करने जा रहे थे। 24 आवर्स फ्रॉम नाउ द इंटरनल एक्सचेंज प्राइस विल बी पैच टू $1 और द एक्सचेंज प्राइस एट अ टाइम ऑफ वट एवर द हायर सेल ऑर्डर विल बी वट एवर विच एवर इज हायर सेल ऑर्डर विल नॉट बी अलाउड टू प्लेस एनी लोअर देन दिस। तो ये बेसिकली न्यूज़ थी आज से 48 घंटे पहले कि ये लोग जो प्राइस थी उसको पैच करने जा रहे थे $1 पे, $1 फॉर वन आर पॉइंट। कल ये न्यूज़ इम्प्लीमेंट, कल ये जो फीचर था वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया था और कल ये प्राइस चेंज हो गई थी सुबह के टाइम पे और ये $1 हो चुका था। ठीक है, तो जब रात को मतलब सुबह को ये जब चेंजिंग होने के बाद ट्रेडिंग हुई तो उसमें देखा गया कि एक मसला आ रहा था। वो मसला ये था कि इथेरियम जो है वो मूव कर रहा था ऊपर नीचे। ठीक है, तो अब इन्होंने जो था वो डॉलर प्राइस के हिसाब से $1 पर आर्क कॉइन को पैच किया था। तो अब मसला ये हो रहा था कि जब इथेरियम ऊपर नीचे हो रहा था 132 से 134 पे जा रहा था तो जो $1 से नीचे के ऑर्डर्स थे वो कैंसिल हो जाते। ठीक है, और जिसकी वजह से वो इन्होंने असल में बेसिक अकाउंट्स जो हैं उस पर लिमिट्स लगाई हुई हैं कि एक दिन में $500 से ज़्यादा की ट्रेड वो नहीं कर सकते सेलिंग, और आई थिंक ये लिमिट है कि 5 सेल ऑर्डर से ज़्यादा नहीं लगा सकते या टोटल 5 ऑर्डर से ज़्यादा नहीं लगा सकते। तो ये होता था कि जब वो ऑर्डर कैंसिल होते थे लेकिन वो उनके ऑर्डर के अंदर ही काउंट होता था, जिसकी वजह से ये सारा इशू क्रिएट हुआ कि लोगों को मसला होना शुरू हो गया कि लोग सेल नहीं कर सक रहे थे और वो इथेरियम की प्राइस की मूवमेंट की वजह से ऑर्डर्स भी कैंसिल हो रहे थे। तो इसकी वजह से फिर आज इन्होंने ये अपडेट दी है 13 तारीख को कि डियर आर्ब नेशन, एज वी ऑल नो वी बिलीव इन ट्राइंग टू गिव द कम्युनिटी व्हाट दे आस्क फॉर, वी हैव मेड एन अटेम्प्ट टू हेल्प सस्टेन द टोकन बट ड्यू टू सम इश्यूज with the coding, some experience intermittent issues and have experience not being able to successfully buy or sell due to these errors। वो कहना चाह रहे हैं कि हम अपने लोगों के कहने पर, मैं इसको थोड़ा zoom भी कर देता हूँ ताकि आप भी इसको read कर सकें, ये zoom कर दिया मैंने ताकि इसको आप भी पढ़ सकें। ये update है कि डियर आर्बनेशन, वो कहना चाह रहे हैं कि कल हमने अपने लोगों के कहने पर, अपनी कम्युनिटी के कहने पर एक अटेम्प्ट किया था ताकि टोकन की प्राइस को सस्टेन किया जा सके, मतलब स्टेबल किया जा सके, लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से जो कि कोडिंग के अंदर हुई थी तो लोगों को जो मसाइल का सामना पेश आया वो लोगों ने एक्सपीरियंस किए मसले और उससे वो सक्सेसफुली बाय और सेल नहीं कर सक रहे थे। मतलब ये जो कल इन्होंने रूल इम्प्लीमेंट किया था वो उसके अंदर कोडिंग्स के कुछ इश्यूज हो गए थे, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इथेरियम का प्राइस जो ऊपर नीचे मूव कर रहा था जिसकी वजह से वो ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे थे, जिसकी वजह से लोगों को बाय और सेल करने में काफ़ी मसले मसाइल का सामना हुआ। तो इन्होंने आगे ये लिखते हैं कि वी विल चेंज एवरीथिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट अनटिल वी कैन फिगर आउट अ बेटर अप्रोच। वो कहते हैं कि हम इस वक्त हर चीज़ को 48 घंटे पहले, मतलब जो ये टाइम था वो उस पोजीशन में लेकर जा रहे हैं, मतलब जो प्राइस थी बेसिकली जो कॉइन की प्राइस थी वो वापसी वहीं पर ले जा रहे हैं जो फ्री मार्केट के अंदर थी, पैच्ड मार्केट से चेंज करके फ्री मार्केट पर वापसी ले जा रहे हैं जब तक उनको कोई और सॉल्यूशन नहीं मिलता। मतलब ये जो कोडिंग का मसला हो रहा है जिसकी वजह से, क्योंकि $1 पे फिक्स हो ही नहीं सकती प्राइस, क्योंकि इथेरियम मूव करता है और ये सारी प्राइस डिपेंड करती है इथेरियम की प्राइस के ऊपर, क्योंकि ये ERC20 स्टैंडर्ड का टोकन है और ये इथेरियम के साथ ट्रेड होता है। तो अगर इथेरियम अभी ये लोग अगर इसको $1 पर फिक्स कर देते हैं
फॉर एग्जांपल इथेरियम $135 का है, इथेरियम अगर फॉर एग्जांपल $270 पे चला जाता है, $270 पर इथेरियम प्राइस चली जाती है, तो ये टोकन ऑटोमेटिकली $1 से $2 का हो जाएगा। और सेम अगर इथेरियम $135 से आधा होकर $80 पे आ जाता है या $70 पर आ जाता है, तो कॉइन $1 से 50 सेंट पे चला जाएगा। लेकिन ये लोग इसको $1 पर पैच करना चाह रहे हैं, जो कि हो ही नहीं सकता था। तो ये कह रहे हैं कि हम लोग इसके लिए कोई और सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, जब तक हमें कोई बेटर सॉल्यूशन नहीं मिलता तब तक हम मार्केट को उसी पोजीशन में ले जा रहे हैं जिस पोजीशन में पहले थी। ठीक है, एवरीवन विल बी एबल टू यूज द एक्सचेंज एज बिफोर। ठीक है, हर कोई जो है वो पहले की तरह एक्सचेंज को यूज कर सकेगा, जैसे पहले हो रहा था 20-22 सेंट पे कॉइन घूम रहा था। प्लीज डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट सपोर्ट इफ यू फाउंड एनी एरर्स आफ्टर द चेंजेस टेक अफेक्ट। अब ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि जिन लोगों ने सेल ऑर्डर या बाय ऑर्डर लगाए थे, उनकी कोई फीस वगैरह कटी है और वो अगर रिफंड नहीं हुई है या कोई और मसला आया है, तो वो सपोर्ट से रब्ता करें और उनको बताएं कि क्या मसला है, और सपोर्ट जो है वो आपका मसला एज सून एज पॉसिबल हल कर देगी। ठीक है, वी विल कंटिन्यू वर्किंग इन द बैकग्राउंड मेकिंग श्योर दैट देयर आर नॉट फर्दर इश्यू, सिंसियरली द आर्बिट्रेजिंग टीम। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि हम बैकग्राउंड में वर्किंग कर रहे हैं और अब हम मेक श्योर करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में इस तरह का और कोई मसला ना हो। तो बेसिकली फिलहाल हम वापसी 2 दिन पहले वाली पोजीशन में आ गए, जहां प्राइस वही 20 से 25 सेंट के बीच में घूम रही थी, और अब ये इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग करेंगे, और उसके बाद जब उनको लगेगा कि हाँ यार अब सब मसला हल हो गया है, अब हम ये नए रूल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके बाद वो उसके ऊपर चेंजिंग करेंगे। तो फिलहाल जो कॉइन की प्राइस है वो वापस, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि 1 ARB इज इक्वल टू 23 सेंट और 1 ABOT इज इक्वल टू $1.32 जो पहले ही थी, 1 Ethereum इज इक्वल टू $132 और 24 आवर का जो वॉल्यूम है वो 928 Ethereum तक गया है। तो अभी भी ट्रेडिंग हो रही है, ऐसा नहीं है कि ये चेंजिंग के बाद लोग डिसअपॉइंट होकर कुछ नहीं कर रहे, ट्रेडिंग वैसे ही नॉर्मल चल रही है जैसे पहले चल रही थी। तो इश्यूज का कोई मसला नहीं है, जो हो रहा था वैसा ही हो रहा है, बस आपने ये चीज़, आपको ये चीज़ मैंने शेयर करनी थी, क्योंकि कुछ लोग हैं जिन जो ये न्यूज़ वगैरह रीड नहीं करते, उनके लिए फिर ये वीडियो बनाई है ताकि उनको भी अंदाज़ा हो जाए कि वो क्या हुआ था कि जो $1 पे गया और अब वापसी 23 सेंट पे आ गया, क्योंकि मैं पिछले 3 दिन में 2 वीडियोज़ बना चुका था इस टॉपिक पे कि प्राइस चेंज होने जा रही है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मैंने तो वीडियो बनाई थी और प्राइस चेंज भी हुई $1 पे और अब वापसी नीचे आ गई है, तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बना के अपने सब्सक्राइबर्स मैसेज दिया है कि टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, अगर आपने कॉइन्स लिए भी हैं तो आपने वो 20 सेंट पे लिए होंगे, तो अभी भी आप 3 सेंट प्रॉफिट में हैं, और अगर आपने ऊपर भी लिए हैं, मैंने खुद कल 900 कॉइन बाय किए थे एट द रेट ऑफ 80 सेंट्स। ठीक है, 70-80 सेंट्स का मैंने बाय किए, तो मुझे भी अभी कोई टेंशन नहीं है, मेरे अभी भी 1900 कॉइन ऐसे कैसे ही पड़े हैं, मैंने कोई कॉइन ना कल सेल किया था ना मैं आज सेल करने के किसी मूड में हूँ। ठीक है, मैं जस्ट वेट करूँगा मार्केट के स्टेबल होने का, कॉइन के रेट के ऊपर आने का, उसके बाद ही अगर मैंने कोई सेल करने का फैसला किया तो करूँगा। अभी फ़िलहाल आपको भी यही मैसेज दे रहा हूँ, अगर आपने कोई कॉइन्स बाय किए हैं, अगर 20 सेंट से नीचे बाय किए हैं तो आप प्रॉफिट में, अगर आप सेल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आपने ऊपर के रेट में बाय किए हैं और अगर आपके अभी आपके बाइंग रेट से कॉइन डाउन है तो वेट करें, 1-2 दिन में मार्केट स्टेबल होगी, कोई अच्छी न्यूज आएगी तो ऑटोमेटिकली कॉइन की प्राइस वापसी ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो बस ये न्यूज़ आपको देनी थी, जो अपडेट है कि जो चेंजिंग हुई थी इम्प्लीमेंट कोडिंग के इशू की वजह से, वो अभी फ़िलहाल पॉज कर दी गई है, और जो एक्सचेंज है उसको अपनी पुरानी पोजीशन जो वापसी बहाल कर दिया गया है, और अभी ट्रेडिंग वैसी होगी जैसे आज से 2 दिन पहले हो रही थी नॉर्मल। तो जैसे ही इनको इस चीज़ का कोई बेटर अप्रोच, बेटर सॉल्यूशन मिल जाएगा कि हाँ यार अब ये चीज़ ठीक है, इससे हर किसी के लिए विन विन सिचुएशन होगी,
तो वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देंगे और वो एक तरह से ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इस तरह हर किसी को मसला हो रहा था ट्रेडिंग करने में। लेकिन वो जब नई सॉल्यूशन आ जाएगा तो उसके लिए उसके बाद हर किसी के लिए आसानी होगी। तो बेटर है कि वेट कर लें थोड़ा, और सब्र का फल मीठा होता है जैसे कहते हैं, कि सब्र करें, डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी गुड डे। बाय बाय।